बता दे रहे हैं। ठीक, हमने पीछे या तो जानवर का नाम लिखा हुआ है, या पक्षी का लिखा हुआ है, या फूल का लिखा हुआ है, या फल का लिखा हुआ है। तुम लोगों ने लिखा होगा कोई ना? हमको नहीं पता है, हमको इसका नाम बताना है बिना देखे। ठीक, हम देखे नहीं है, एक बार हम घूम जा रहे हैं, सब लोग इसका नाम बारी बारी से देख लो कि क्या नाम पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोलना है कि क्या चीज इसके पीछे लिखा हुआ है। ठीक, सब लोग देख लिए। और इसी में से या तो ये जानवर का नाम हो सकता है, या पक्षी का, या फूल का, या फल का। ठीक है ना, ये मैजिक गेम। ठीक, अभी इससे बताएंगे अंत में कि क्या तुम लोगों को सीखने को मिला इस गेम। ठीक, चलो शुरू करते हैं खेल। क्या मैं जानवर हूँ? इसका मतलब इसमें जानवर का नाम नहीं लिखा। ठीक, दूसरा गेम। क्या मैं पक्षी हूँ? यानी कि इसमें पक्षी भी नहीं है, जानवर का नाम भी नहीं है, और ऐसे तुम लोगों को भी पकड़ना जिसको यहाँ बुलाएंगे। ठीक, यानी कि जानवर भी इसमें नहीं है और पक्षी भी इसमें नहीं है। ठीक, क्या मैं फूल हूँ? अब देखो, क्लियर हो गया कि यानी कोई फूल का इस पे नाम लिखा होगा। ठीक, मैं फूल हूँ, चलो ठीक है। अब फूल के बारे में हम लोग सोचेंगे कौन कौन से रंग के फूल होते हैं। ठीक, तो हम पूछेंगे फिर, या जब जो बीच में आएगा वो पूछेगा, क्या मेरा रंग लाल है? रंग लाल हो गया। ठीक, यानी कोई लाल कलर का ही फूल है। ठीक, क्या हमारे फूल में कांटे होते हैं? चलो ठीक है, यानी ऐसा फूल है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। ठीक, क्या मेरा नाम गा से शुरू होता है? हाँ, अब ये भी पता हो गया कि मेरा नाम किससे शुरू होता है, गा से। इसका मतलब मैं गुलाब हूँ। कहे कई लोग नहीं कह रहे हैं, तो गुलाब का फूल का नाम हो गया ना, नाम समझ में आ गया ना, ऐसे ही खेलना है। ठीक, अच्छा लगा गेम। चलो अब एक लोग बीच में, क्या नाम उसका? नेहा, खड़े हो जाओ बेटा, ये लाइन पूरा करो ना पहले। अब इसके पहले एक गेम हुआ था, गुलाब वाला बताए थे ना। ठीक, दोबारा फिर एक खेल हो जा रहा, फिर एक बार बता दे रहे हैं, फिर बारी बारी से जिसका मन करेगा उसको बीच में ले आएंगे। इसमें एक दो बार देख लो कि कैसे खेल को खेलना है, कैसे उस चीज को पकड़ना है। ठीक है ना, तो फिर हमारे पीछे लिखा गया हुआ है, और इस खेल से फायदा ये होगा कि तुम लोगों को फलों के नाम याद होंगे, पक्षियों के नाम याद होंगे, ठीक, जानवरों के नाम याद होंगे, उनके रंगों के नाम याद होंगे, कौन शाकाहारी जानवर है, कौन मांसाहारी जानवर, ये सब चीजें याद होंगी। ठीक, तो एक बार सब लोग पहले देख लो क्या पीछे लिखा हुआ है। ठीक, बोलना नहीं है किसी को, ठीक, बोलना किसी को नहीं, देख लो क्या लिखा हुआ है। देख लिया सब लोग? चलो अब खेल शुरू करते हैं। ठीक, खेल शुरू करते हैं, बारी बारी हम पूछेंगे और उसको आप लोगों को बताना रहे। ठीक, चलो बताओ, क्या मैं पक्षी हूँ? पक्षी नहीं हो, यानी कि कोई पक्षी का नाम इसमें नहीं है। ठीक, क्या मैं जानवर हूँ? जानवर भी नहीं इसमें लिखा हुआ, इसका मतलब। ठीक, अब क्या बचता है? फूल और फल। ठीक, क्या मैं फल हूँ? यानी इसमें कोई फल का नाम। ठीक, अच्छा, क्या मेरा रंग पीला है? पीला है। क्या मैं लंबे आकार में हूँ? बोल। क्या ये फल पैरेट ज्यादा खाते हैं? क्या ये राष्ट्रीय फल है? क्या इसका नाम माँ से शुरू होता है? माँ से क्या से? इंग्लिश में बोलेंगे तो माँ से, और हिंदी में बोलेंगे तो मारती।
इस खेल से क्या फायदा होता है? इस खेल से फलों के नाम, पक्षियों के नाम, पशु के नाम, ठीक है ना, फूल के नाम, उनके रंग, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, कि उनका इंग्लिश में नाम क्या है, जैसे मैंगो का है, राष्ट्रीय फल का है, तुम्हें पता होगा राष्ट्रीय फल क्या है, तो तुम्हें बता ही जाता पूरा, ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रकार को खेल खेलना चाहिए। चलो अब जो नहीं चंदना जो करो, और तुम भी खेलो।